हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए एक एक्सक्लूसिव तरीके से बातचीत करेंगे। एक अच्छी खबर है, ये बात आपको पता होना चाहिए। पैनिक करने की जगह आप इन तरीके की इन्फॉर्मेशन को समझिए और अपने पैनिक लेवल को कम करिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए, एक यहाँ पे कंपनी का बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी बिजनेस भी बोलते हैं। वोडाफोन आइडिया इस बिजनेस को अपनी एक साइड कंपनी या सब्सिडरी कंपनी बोल लीजिए, या आर्म, साइड आर्म बोल लीजिए, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया बिजनेस, यानी वी बिजनेस। मेरी बात समझ रहे हैं? वी बिजनेस। तो वोडाफोन आइडिया बी टू बी सेगमेंट के बिजनेस को वी बिजनेस के ब्रांड के थ्रू चलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की कैसे ये ताकत बन सकती है आने वाले समय में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए नए क्लाइंट्स को हायर कर रहा है। अगर आप इनके लिंक्डइन की प्रोफाइल को जाके चेक करेंगे तो इन्होंने बहुत सारे जॉब सीकर्स को ढूंढने के लिए नोटिफिकेशंस लगा रखी हैं। और ये बेसिकली किस लिए लाए जाने की बात कर ली है? आपको पता है, ये जो नए नए लोगों को हायर करने के पीछे का मकसद है कि वोडाफोन आइडिया चाहता है कि ये इसके कंटेंट बेस्ड जो एडवर्टीजमेंट होता है या कंटेंट बेस्ड जो मार्केटिंग होती है उसको ज़्यादा तरीके से पब्लिश किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी सर्विसेज कैटर हो सके, ताकि कस्टमर्स, देखिए, वोडाफोन आइडिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के मामले में नंबर वन पोजीशन पे बनी हुई है। और आने वाले टाइम में 5G का ज़माना आने वाला है, आपको पता ही है, तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत आने वाले टाइम में बढ़ती ही दिखाई देगी, राइट? तो इसी के लिए दोस्तों आप देखिए यहाँ पे, तो वोडाफोन आइडिया इज़ लुकिंग एट द फ्यूचर एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स बिजनेस टू बिजनेस आर्म नोन एज वी बिजनेस, फॉर्मली नोन एज वोडाफोन आइडिया बिजनेस सर्विस। पहले इसको वोडाफोन आइडिया बिजनेस सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अभी ये इस ब्रांड का, इस सर्विस का यहाँ पे मेन फोकस है कि ये एंटरप्राइज कस्टमर्स को बेटर इंटरनेट डेवलपमेंट, देखिए इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं है कि वीडियो देखा और कॉलिंग कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इंटरनेट की दुनिया इतनी ज़्यादा वास्ट हो चुकी है कि हम अपने डेली लाइफ में हर एक छोटे से छोटे बड़े काम को इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। IoT का नाम सुना है आपने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इसी के लिए, अब 5G के लिए जो 5G की ज़रूरत है, हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ही रन करना है बेसिकली, क्योंकि 4G सर्विसेज हमारे डेली लाइफ की नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? ऑलरेडी काफ़ी हैं, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स को रन करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ एक्सक्लूसिव तरीके से किया जाएगा। और वोडाफोन आइडिया पहले से ही इस मार्केट में तैयारी बना के रखा हुआ है और नंबर वन पोजिशन पर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो करंटली वोडाफोन आइडिया अपने सेगमेंट एंड कंटेंट मार्केटिंग रोल के लिए लोगों को हायर कर रहा है फुल टाइम जॉब कैटेगरी के लिए, एंट्री लेवल नेचर। अब यहाँ पे कितना किसको पेमेंट मिलेगी, ये बात जो है कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन लिंक्डइन की प्रोफाइल में अगर आप देखें, लिंक्डइन पोस्ट में जाके देखेंगे तो इन्होंने इस तरीके की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑफर्स निकाले हैं, राइट? देखिए, एंगेजमेंट प्रोग्राम्स के जरिए नए कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी यहाँ पे मार्केटिंग बढ़ती है इसी कंपनी की। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि किसको क्या आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आप जो भी पर्सन हायर किया जाएगा उसको कंटेंट मार्केटिंग करना आना चाहिए। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, टेलीकॉम मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, B2B मार्केटिंग क्या, ये सारी बातें उसको आना चाहिए, उसको माहिर होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होना चाहिए, तभी इसमें बेटर तरीके से टिक करके काम कर सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए।
राइट तो यहाँ पे मेन फोकस है कंपनी का अपने बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशंस को ताकतवर बनाना। और यहाँ पे वोडा आइडिया को अच्छे से पता भी है, ये रियलाइज़ करता है कि ये B2B का जो पोटेंशियल है आने वाले समय में, अभी आपको उतना ज़्यादा समझ में ना आए लेकिन आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ग्रो करने की वजह से इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है, एंड दैट्स वाई वोडाफोन आइडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। राइट तो मुझे लगता है कि ये बात जो है आपको समझनी चाहिए, पैनिक करने की जगह पे B2B के बिजनेस की ताकत को समझिए और अपने पैनिक लेवल को गिराइए और हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, और यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। राइट तो आप देखिए लास्ट पैराग्राफ में, वोडाफोन आइडिया बिजनेस ऑलरेडी प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबिलिटी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, क्लाउड एंड कम्युनिकेशन। ये वी बिजनेस ब्रांड जो अभी मैंने आपको बताया था ना, यही है, ये इतनी तरीके के सर्विसेज ऑलरेडी अभी प्रोवाइड कर रही है और इसी को ये एक्सपेंड करना चाहते हैं काफ़ी लार्ज एरिया में, यानी काफ़ी बड़ी मार्केट में मार्केट शेयर ये गेन करना चाहते हैं। और इसके लिए इनको ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट मार्केटिंग टीम की, जो इस बात को इंश्योर कर सके कि इनके इस प्रोडक्ट को पूरे देश भर में फैलाओ। राइट तो दोस्तों, ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड टेक केयर।